दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहोगे, आप सब हेल्दी रहोगे। आज मैं जो वीडियो बनाने को जा रहा हूँ, अर्वाना फिश के ऊपर वीडियो बनाने को जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि अर्वाना फिश में मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अर्वाना फिश में मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हर एक फिश एक साइज के बाद एक मैच्योर होता है। तो जो अरवाना फिश है उसका जो साइज है वो 12 इंचेस और उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास जो अरवाना फिश है वो एक मेल है कि फीमेल है। दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे बॉडी शेप के बारे में अरवाना फिश की। दोस्तों अगर अरवाना फिश जो है अगर वो मेल है तो एक आपको एक शाइन उसका जो बॉडी रहेगा उसके ऊपर आपको शाइन जैसा दिखेगा, और उसका जो पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो शुरू से लेके अंत तक ये पूरी तरह से स्लिम रहेगा। और जो फीमेल्स आती है दोस्तों उनका जो यूजली जो ओवरऑल जो बॉडी जो स्ट्रक्चर रहता है वो मेल से शॉर्टर रहता है, और उनका जो जो पूरा जो बॉडी रहता है वो थोड़ा मेल से वाइड रहता है, चौड़ाई में ज़्यादा रहता है और ये पूरी तरह से राउंडर रहता है। इससे हम लोग को आसानी से पता चल सकता है कि अरवाना फिश में मेल कौन है और फीमेल कौन है। दोस्तों अरवाना फिश में मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने का है तो एक दूसरा तरीका ये है, अरवाना फिश में जो मेल्स रहते हैं उसका उनका जो सिर रहता है वो बड़ा रहता है और जो मुंह रहता है वो चौड़ा रहता है। मुंह चौड़ा है क्यों रहता है, क्योंकि अरवाना फिश जब भी फीमेल जब भी एग्स देती है जो मेल्स है वो जो अंडे रहते हैं 1 वीक से लेके 1 महीने तक अरवाना फिश के मेल के मुंह में ही रहते, तो इसके लिए उनका जो माउथ रहता है ये यूजली फीमेल से चौड़ा रहता है। और दोस्तों जो फीमेल्स है उनका जो माउथ और जो सिर है वो कंपेयर टू मेल ये छोटा रहता है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे बॉडी कलर के बारे में। यूजली ये ज़्यादातर के फिश में एक कॉमन चीज़ रहती है कि जो मेल्स रहते हैं वो बहुत ही कलरफुल रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, और जो फीमेल्स रहती है वो मेल से ज़्यादा फेड रहती है। तो सेम अरवाना फिश में भी यही है, जो मेल्स रहते हैं कलरफुल वो ब्राइट रहेंगे और जो फीमेल्स रहती है उनका जो कलर रहता है वो ये फेड रहता है कंपेयर टू मेल। दोस्तों आगे हम लोग जो बात करेंगे वो है एग्रेशन। देखो दोस्तों एग्रेशन से भी पता कर सकते हो मेल है या फिर आपके पास फीमेल है। तो दोस्तों जब भी आप फीडिंग करने को जाओगे तो जो मेल जो यूजर ही उनका जो टेम्परामेंट रहता है फीमेल से ज़्यादा एग्रेसिव उनका टेम्परामेंट रहता है, तो जब भी आप फीडिंग करोगे तो मेल्स ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जब भी आप फीडिंग करते हो, और जो फीमेल रहती है यूजली ये लेस एग्रेसिव रहती, उनमें एग्रेशन बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू अरवाना फिश के मेल से। और दोस्तों और एक तरीका है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल्स में। दोस्तों यूजली जो अरवाना फिश का जो अनल फिन रहता है वो बड़ा रहता है और चौड़ाई में ज़्यादा रहता है, थिकर रहता है, और जो फीमेल्स रहती है उनका जो अनल फिन रहता है वो मेल के अनल फिन से शॉर्टर रहता है और बहुत ही पतला रहता है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनल फिन देख के कि आपके पास जो अरवाना फिश है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की, इससे आप आराम से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास जो अरवाना फिश है उसमें मेल और फीमेल कौन है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आगे जाके बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एवरीवन एंड बाय।